नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूं आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। उरी सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया है। बाकी जानकारी से पहले आइए आपको दिखाते हैं कैसे ये 3 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। एएनआई द्वारा साझा किए गए इस वीडियो में जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। सेना के अधिकारियों के अनुसार 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने गुरुवार 25 अगस्त को उरी सेक्टर के कमलकोट इलाके में मदियान नानक पोस्ट के पास भारत में घुसने का प्रयास किया। विशिष्ट खुफिया इनपुट प्राप्त होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक निगरानी गैजेट द्वारा इनका पता लगाया गया। अधिकारियों ने कहा कि घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई और घटनास्थल पर मौजूद भारतीय सेना के सतर्क जवानों ने आतंकवाद को मार गिराया। श्रीनगर स्थित पीआरओ रक्षा कर्नल इमरान गुसावी ने कहा कि आतंकवादी घुसपैठ करने के लिए घने अंडरग्राउंड पत्ते और बारिश और कम बादलों के कवर का उपयोग करने की उम्मीद कर रहे थे। कर्नल मुसावी ने कहा, आतंकवादियों के साथ संपर्क 25 अगस्त को सुबह लगभग 8:45 पर एलओसी के भारतीय हिस्से के आगे के इलाकों में स्थापित किया गया था, जिससे भारी गोलाबारी हुई जिसमें आतंकवादी मारे गए। शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा नेता टी राजा सिंह की आपत्तिजनक टिप्पणी पर उच्च तनाव के बीच एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शांत रहने की अपील की है। एएमआईएम सांसद ने स्थानीय नागरिकों से शांतिपूर्ण प्रार्थनाएं सुनिश्चित करने का आग्रह किया और कहा कि पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणी भाजपा विधायक को हिरासत में लेने और निलंबित करने की उनकी सबसे बड़ी मांग पूरी हो गई है। इस बीच पैगंबर की टिप्पणी के मद्देनजर किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए हैदराबाद के कुछ हिस्सों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इससे पहले गुरुवार को तेलंगाना में निलंबित भाजपा नेता द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। हैदराबाद पुलिस ने गुरुवार को कहा कि सिंह को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है और सेंट्रल जेल चेरियापली में बंद कर दिया गया है। भाजपा नेता और अभिनेत्री सोनाली फोगाट का दिल्ली में पार्थिव शरीर देर रात हिसार पहुंच गया। दिल्ली से एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को हिसार के सिविल अस्पताल लाया गया है। हिसार में सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गोवा के मुख्यमंत्री से बात भी की है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता।